हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मधु। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगी। यहाँ आज सुबह से बारिश हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसी दाल बनाएं जो होगी गर्म और टेस्टी भी। तो आइए, आज बनाऊंगी भटकी चुड़कानी। तो इसको मैं पहले धो लूँगी अच्छे से। ये एक पहाड़ी व्यंजन है, हमारे कुमाऊँ में बहुत फेमस है ये। तो धोने के बाद मैं इसको अच्छे से पहले भून दूँगी। हमारे पहाड़ में जब भी कोई आउटसाइडर आता है या कोई अलग कंट्री से आते हैं तो वो उनको हमेशा भटकी चुड़कानी सर्व की जाती है, क्योंकि इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है। और ये ठंडे इलाकों में इसलिए भी खाई जाती है क्योंकि ये गर्म होता है, और इसीलिए इसको सर्व करने का एक मेन रीज़न ये भी होता है। तो मैंने अब यहाँ पे तेल में जीरा और प्याज का छौंका लगाया है, और प्याज जब तक लाइट ब्राउन होता है तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर को, और टमाटर को मैं तब तक भूनूँगी जब तक वो थोड़ा गल ना जाए। और गलने के बाद उसके बाद मैं उसमें डालूँगी गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, जो कि इसका टेस्ट करेगा डबल। फ्रेंड्स, भटकी चुड़कानी जब भी बनाएं हमेशा लोहे की कढ़ाई यूज़ करें। यहाँ मैंने ग्रीन चिली भी रख दिया है क्योंकि लोहे की कढ़ाई से इसका टेस्ट डबल एंड ट्रिपल हो जाता है। अब मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी, जैसे कि नमक, मिर्ची, हल्दी, जो भी है सब ऐड कर देंगे, और मसालों को अच्छे से पकाने देंगे। इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा, उसको ढक के रख देंगे। तो यहाँ मसाले जब तक पकेंगे, दूसरी साइड मैंने बेसन ले लिया है तो बेसन को अच्छे से घोल लेंगे। और 3 चम्मच लिए हैं मैंने यहाँ पे बेसन। बेसन इसमें मेन रोल निभाता है क्योंकि ये इसकी कड़ी को गाढ़ा कर देता है। तो यहाँ पे छन्नी की हेल्प से मैं छानना है, जो बचेगा वो हमें नहीं यूज़ करना है इसमें, यही इसकी खासियत है। तो यहाँ पे अच्छे से बेसन के पानी को हमें पकाना था जो पक गया है। अब मैं इसे पानी ऐड करूँगी। पानी हम अपनी आवश्यकता अनुसार कितना ही बढ़ा सकते हैं। और अब मैं इसमें जो भटकी दाल है वो डाल दूँगी और उसको अच्छी तरह से थोड़ा पकने देंगे। तो जब तक ये उबलता है तब तक मैं इसे ढक देती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर में मैंने चेक किया तो ये अब रेडी है, पक के यानी सर्व करने को तैयार है। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।